Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक है? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन बहुत फिर से प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लैक हॉर्स देखिए कितना ब्यूटीफुल है. और इस पतंग को बनाए हुए अभी 4-5 दिन हो गया है फ्रेंड्स, या तो 1 हफ्ता हो गया होगा, याद नहीं आ रहा है किस दिन बनाया था. तो फ्रेंड्स, अब ये पतंग सेट हो चुका होगा, अब इसको हम लोग उड़ा करके देखते हैं. और फ्रेंड्स, इसमें देखिए, इसमें हमने फर्स्ट टाइम जो है, ये देख सकते हैं अपने थ्रेड वाला जो है, थ्रेड वाला कमान खड्डा बनाया है. इस कमान के अंदर भी आप देख सकते हैं थ्रेड, और इसमें भी खड्डे में भी थ्रेड लगा हुआ है. तो फ्रेंड्स, अब इस पतंग की जो है ट्रायल होनी चाहिए. और आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये पतंग जो है 2 टावा काइट है, आप देख सकते हैं. पौने का साइज फ्रेंड्स इतना होता है, जितने बड़े में ये व्हाइट कलर का है बना हुआ है ना, ये पौने का साइज होता है. इससे ऊपर जो है टावा काइट का साइज पे आ जाता है. तो चलिए हम लोग इसको उड़ाते हैं. फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त उड़ रहा है फ्रेंड्स. अब इसको दौड़ दे करके दूर निकाल देता हूँ. चलती चली जा रही है. मस्त है फ्रेंड्स. चलिए इसको दौड़ निकालते हैं, खूब दूर ले जाते हैं. अब इसमें ना फ्रेंड्स, आपको बता दूं बहुत ही मस्त उड़ रही है. और इतना मस्त उड़ रहा है फ्रेंड्स, इससे काइट फाइटिंग करके बहुत ही मजा आएगा, मैं आपको रियली बता रहा हूँ. और सारी चक्कर वगैरह सही है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पतंग है फ्रेंड्स. मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप जिसको कहते हैं ना, और बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड. दिखाना पतंग को, दिखाना जरा था. देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से चक्कर चेक करता हूँ, एकदम आसमान में खड़ी हो गई. और ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम जबकि 2 टावा पतंग का इतना अच्छा चक्कर नहीं होता. अगर आप देखिए तो चक्कर देखिए, बिल्कुल एकदम फैंटास्टिक परफेक्ट चक्कर है. और दोनों ही चक्कर सही है. अभी आपको मैंने एक तरफ का चक्कर दिखाया, अब दूसरी तरफ का भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स. ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही चक्कर बिल्कुल सही है. और मुद्दा बनते ही फ्रेंड्स, क्या आप गद्दा मारिए, बिल्कुल स्ट्रेट पतंग है. देख रहे हैं आप, इतना बड़ा पतंग फ्रेंड्स जो है खींच के लड़ाने के लिए नहीं बनता है. ये तो ढील से लड़ाने के लिए, फंसा करके लड़ाने के लिए बनता है. लेकिन फ्रेंड्स, मैंने इसका जो है कमान ठड्डा और इसका जो शेप इस तरह का दे दिया ना, बिल्कुल एकदम घोड़े की चाल है इसकी. जैसे घोड़े की चाल होती है ना फ्रेंड्स, टकबक 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 टकबक. ब्लैक हॉर्स परफेक्ट, एकदम स्पीड सुपर फ्रेंड्स. मैं आपको बताऊं, चाहे इसको आप 8400 तो छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, 1-2-3 के मान जैसे भी लड़ जाएगा. कमाल का पतंग है फ्रेंड्स. मैं इतना अच्छा पतंग बनाता हूँ, मेरे को पता ही नहीं था. फिर तो बचपन से फ्रेंड्स मैं अभी तक पतंग बना बना के खूब सारा बेचता, दुकान भी खोल लेता अपना, है ना, दुकान भी अपना खोल लेता फ्रेंड्स. चाल बहुत ही अच्छी है. और फ्रेंड्स, पतंग तो छोड़िए, आप ये देखिए, ये कुर्सी भी दिखाना. ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये भी होम मेड है. इसको अभी हम लोगों ने 3-4 दिन पहले बनाया. इसकी अभी अभी वीडियो अपलोड करिए. आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, सिर्फ मैं 2 उंगली से उठाऊंगा फ्रेंड्स. और इसमें चरखी स्टैंड भी बना दिया है, यानी चरखी स्टैंड की भी जरूरत नहीं. ये देखिए, सिर्फ 2 उंगली से, पूरे ऐसे भी नहीं पकड़ रहा हूँ, सिर्फ 2 उंगली से. ये देखिए ट्यू, अब जहाँ बोलिए वहाँ तक लेकर के चला जाऊँ. ये देखिए झूला झूल रहा है ना. कुर्सी भी कमाल की है, पतंग भी कमाल की है. क्या बात है यार, यारा बहुत ही मस्त है भाई. जिंदगी का मजा लेना तो ऐसा ही हो. बैठे बैठे फ्रेंड्स, बैठे बैठे लड़ जाएगा यार. मैं ट्राई करूँ, मान लो कि ओपोनेंट की पतंग आ गई. आज कई दिनों बाद फ्रेंड्स हवा चला है, और दिवाली के बाद से लेकर के अभी तक हवा चली नहीं रहा था. तो फ्रेंड्स, चलिए मान लीजिए कि मेरे को काई फाइटिंग करनी है और कुर्सी पे बैठे बैठे करनी है ना. ओए होए होए, क्या बात है, यहीं से गद्दा मारता हूँ साले को, एक खेच करके गुच्छा पूरा अंदर तक. बहुत ही मस्त पतंग है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मजा आ जाएगा. इस कुर्सी पे बैठे बैठे भी काई फाइटिंग हो सकती है. बहुत ही बढ़िया है.
फ्रेंड्स थोड़ी सी एक गीट चक्कर चक्कर अगर इसको और बढ़ा दिए तो एक गीट ऊपर अगर मैं दे दूँ मेरा फ्रेंड पतंग मेरी हो जाएगी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट पतंग हो जाएगी फ्रेंड्स। और घोड़ा का डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट के ऊपर। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, ये दो टावा काइट है, दो टावा काइट फ्रेंड्स इतनी बड़ी पतंग जो है चक्कर वगैरह सही नहीं लेती, लेकिन मेरी पतंग देखिए एक गीट और दे दूंगा फ्रेंड्स इसकी पूरी एकदम कोने की चाल बन जाएगी सिर्फ एक गीट देने से। चाहे नीचे से लड़ाओ चाहे ऊपर से लड़ाओ चाहे फंसा के लड़ाओ चाहे 1-2-3 मांझे से लड़ाओ चाहे 8400 मांझे से लड़ाओ, पहली बार दो टावे की काइट फ्रेंड 1-2-3 मांझे से भी लड़ जाएगा और 8400 से भी लड़ जाएगा। तो अंकल जी आ जाओ, अब एक बार खींच करके देख लेता हूँ, 1-2-3 के मांझे से भी लड़ जाएगा फ्रेंड ये। हल्की सी जो है हल्की सी बहुत मामूली सी फ्रेंड्स राइट को जा रही है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स एक मिनट में ठीक हो जाएगा, एक मिनट में भी नहीं कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। उसको उतार करके हल्की सी कमची दबा दूंगा ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स, कमान भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कमची से ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसको उतार लेते हैं, काफ़ी उड़ा लिया और बहुत ही क्लियर घोड़ा दिख रहा है फ्रेंड्स, वाह क्या बात। चलिए अब उतार लेते हैं फ्रेंड्स उसको। पूरा इसको फ्रेंड्स अभी आपको उतार करके दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त पतंग है फ्रेंड्स।